हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट चैप्टर को। मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि हमारे ऊपर पहले अंग्रेज राज किया करते थे? जब मोमो सर इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे, तब चीकू अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। सोच रहा था कब घर पर पहुंचूं, फ्री फायर, पबजी और इंस्टाग्राम चलाऊंगा मजे से। फिर तो बच्चों, चैप्टर होता है खत्म। सुनो बच्चों, कल इस चैप्टर का टेस्ट है। चीकू, सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कल इस चैप्टर का टेस्ट है, खास करके चीकू तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे नंबर कम आए तो तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल में आना पड़ेगा। सोच लो, अच्छे से पढ़ाई करके आना कल। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हे भगवान, आज ही मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया और सर ने कल इस बोरिंग से हिस्ट्री के चैप्टर का टेस्ट रख दिया। हे भगवान, मुझे बचा लो। अरे चीकू, टेंशन मत लो, सबके साथ होता है कभी ना कभी ऐसा। मन्नू भैया हैं तो सही, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें अगर तुमने ये चैप्टर मन्नू भैया से पढ़ा। मैं तो उनसे ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता था आज मोमो सर यही चैप्टर क्लास में पढ़ाने वाले हैं। चलो दोनों मिलकर इस चैप्टर को दोबारा देखेंगे घर पे जाकर। इंडिया एक ऐसा देश था जिसके अंदर सब लोग एक साथ मिलके रहा करते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर। मतलब किसी का क्लास अलग हो सकता था, कोई अमीर हो सकता था, कोई गरीब हो सकता था। किसी का कलर अलग हो सकता था, कोई गोरा हो सकता था, कोई काला हो सकता था। किसी की कास्ट डिफरेंट हो सकती थी, कोई लैंग्वेज डिफरेंट बोल सकता था, और किसी का जेंडर भी डिफरेंट हो सकता था, कोई मेल तो कोई फीमेल। लेकिन फिर भी हम इंडियंस सब लोग मिल के रहा करते थे। धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करा। तो इसी चीज़ की वजह से पॉलिटिकल एसोसिएशंस स्टार्ट हुए। अब ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्या हैं? ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं पार्टीज, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे अभी आपको देखने को मिलती हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं। ऐसे ही उस समय पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनना शुरू हुई 1850 से, जो कि हम लोगों ने देखा कि एग्जिस्टेंस के अंदर, मतलब इफेक्टिवली 1870s और 1880s के अंदर प्रॉपरली हमें देखने को मिली। द इम्पॉर्टेंट वंस, मतलब जो तब उस समय की इम्पॉर्टेंट पार्टीज थी या पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, वो थी पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफकोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर आपको पता चला कि अंग्रेज हमारे देश के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, हमारे देश के रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, और धीरे धीरे करके पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी। अब इन दोनों चीज़ों का क्या रिलेशन है, थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। अंग्रेज जो कि अब एक तरीके से हमारे ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर रहे थे, गवर्नमेंट बन चुके थे हमारी, उन लोगों ने सोचा कि इंडियंस समझदार होते जा रहे हैं और अब हमें इंडियंस से खतरा है, तो उन्होंने आर्म्स एक्ट बनाया जो कि 1878 के अंदर पास हुआ, जिसके अंदर इंडियंस को डिसअलाउ कर दिया गया था फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स। मतलब आर्म्स तो हमारी बाजू हो गई, तो इंडियंस को क्या बाजू रखना अलाउड नहीं था? नहीं, आर्म्स मतलब कि हथियार, जैसे कि गन, बॉम्ब्स, ये सब चीज़ें इंडियंस को रखना अलाउड नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों? जिससे कि हम लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर, यानी कि अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक ना कर दें। अब ये तो एक चीज़ थी, लेकिन दूसरी चीज़ थी जिसके ऊपर अंग्रेज़ों को वर्क करना था, वो था न्यूज़पेपर और रेडियो। इसके ऊपर क्या वर्क करना था अंग्रेज़ों को? अब आपको पता है कि आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अच्छा पढ़ रहे हो या अच्छा नहीं पढ़ रहे, ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर टीचर से। क्या हो अगर हम लोग टीचर्स को ही चुप कर दें? तो आपकी तो कोई कंप्लेंट करने वाला होगा ही नहीं, तो पेरेंट्स को पता कैसे चलेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे? तो जो हमारा प्रेस, मतलब कि न्यूज़पेपर या फिर रेडियो, उस टाइम पे रेडियो था, या फिर आजकल जैसे आप टेलीविज़न के अंदर न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ चैनल्स, तो ये सब चीज़ें क्या करते थे,
ये हमें बताया करते थे कि अंग्रेज क्या क्या गलत चीज़ें कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स क्या क्या गलत चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को प्रेस के थ्रू पता चलता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने वर्निकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट को पास करा, जिसके अंदर ये रूल ये था कि इस रूल के अंडर जो प्रेस वाले हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। अब गवर्नमेंट कौन थी उस समय की? अंग्रेज लोग। तो अंग्रेजों की बुराई न्यूज़पेपर के अंदर नहीं हो सकती, रेडियो के अंदर भी नहीं हो सकती, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो गलत काम कर रहे हैं? तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने काफ़ी स्मार्टली एक्ट करा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई। 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मीट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई। 72 डेलीगेट्स मतलब इंपॉर्टेंट लोग आए पूरी कंट्री से, जिसमें कि अर्ली लीडरशिप के अंदर हमें देखा गया कौन कौन थे, दादा भाई जी नरोज और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बोनर्जी और यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्य अय्यर अलॉन्ग विद अदर्स, बहुत सारे और भी लोग थे जो कि बॉम्बे और कैलकटा से बिलोंग करते थे। तो अब हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या लिंक था, इन पार्टीज़ का क्या लिंक था अंग्रेज़ों से। अ नेशन इन द मेकिंग, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी यानी कि पॉलिटिकल एसोसिएशन हुआ करती थी, अब उनका यूजेज आपको समझ में आएगा। जो कांग्रेस थी वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने फर्स्ट 20 ईयर्स के अंदर मॉडरेटली बिहेव करा अपने ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स को लेके। सबसे पहले उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। कांग्रेस ने डिमांड करा कि जो इंडियंस हैं उनको हाई पोजीशन में रखा जाए गवर्नमेंट के अंदर, मतलब कि जो ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी पोजीशंस होती हैं वो इंडियंस को मिले, ऐसा ना हो कि सिर्फ अंग्रेज ही हाई पोजीशंस पे रहें, लीडर बन के रहें, यहाँ पर हम इंडियंस को मौका मिले। इसी वजह से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे हम लोग CSE बोलते हैं, वो इंडिया के अंदर होने लगा। आज की डेट में भी ये एग्ज़ाम होता है, इसको हम लोग UPSC CSE बोलते हैं, मतलब ये जो IAS IPS होते हैं ये सब कांग्रेस की डिमांड की वजह से ही रेज हुए थे। तब द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशू, और जो कांग्रेस थी उसने क्या करा, धीरे धीरे शुरुआत में जो इकोनॉमिक इशू मतलब पैसे के रिलेटेड हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम थी उनके ऊपर भी फाइट करना शुरू करा, बोला कि देखो इंडियंस को पैसों की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद शुरू होता है फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट। भैया मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि अंग्रेज़ों के टाइम पर हमें आज़ादी नहीं थी कहीं पर भी जाने की और कहीं पर भी आने की अपनी मर्जी से, यहाँ तक कि कुछ भी काम करने से पहले अंग्रेज़ों से परमिशन लेनी पड़ती थी, क्या ये बात सच है? बिल्कुल, हमारे पास आज़ादी नहीं थी, मतलब कि फ्रीडम नहीं थी कि हम कुछ भी कर सकें। इसी चीज़ को लेकर कांग्रेस ने और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने फाइट करना शुरू करा। 1890s के अंदर बहुत सारे इंडियंस ने क्वेश्चंस को राइज करना शुरू करा, क्वेश्चंस पूछना शुरू करा कांग्रेस के जो पॉलिटिकल स्टाइल था उसके ऊपर। इंडियंस ने बोला कि ये जो कांग्रेस वाले लोग हैं, ये जो कांग्रेस वाली पार्टी है, ये लोग बड़े ही प्यार से अंग्रेज़ों से बोल रहे हैं कि भाई हमारी बात मान जाओ, हमारी ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व कर दो, अंग्रेज ऐसे प्यार से तो नहीं मानने वाले। इसी वजह से बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब के अंदर कुछ जो लीडर्स थे जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू करा रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स को। रेडिकल ऑब्जेक्टिव मतलब कि मारपीट कर ही और कुछ खतरनाक चीज़ें करके ही, डरा कर ही इन अंग्रेज़ों से अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं, तो उन्होंने यही करा। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने स्लोगन रेस करा, जो फ्रीडम है इज़ माई बर्थ राइट, जो आज़ादी है वो मेरा बर्थ राइट है और ये मुझे मिलनी चाहिए। 1905 के अंदर वॉइसरॉय क्रूज़ोन ने पार्टीशन कर दिया बंगाल का। बंगाल के पार्टीशन की वजह से जो पीपल थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्यूरेटेड हो गए, मतलब प्रॉब्लम्स के अंदर आ गए, चिंतित हो गए, और इस चीज़ की वजह से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये था कि जो ब्रिटिश रूल है उसको ख़त्म करा जाए, ये जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे हैं इसको ख़त्म करा जाए, हम इंडियंस खुद में इतने पावरफुल हैं कि हम अपनी कंट्री को
चला सके। जैसे कि जो इंग्लिश बोलने का कल्चर था कि इंग्लिश ही इंग्लिश बोलनी है, ये ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश का हवा बना दिया था उस टाइम पे। हवा मतलब कि इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को लोगों ने अवॉइड करना शुरू करा। सेल्फ हेल्प, खुद की मदद लोग खुद करने लगे, ये ना सोच के कि अंग्रेज ही हैं जो हमारी मदद कर पाएंगे। स्वदेशी एंटरप्राइज बनने लगी, मतलब हमारे ही देश के अंदर अलग अलग फैक्ट्रीज बनने लगी, जो कि अंग्रेजों की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी पहले, अब उसकी जगह इंडियन लोग खुद की ही बनाने लगे फैक्ट्रीज के, हम लोग भी खुद से काम कर सकते हैं। एजुकेशन, पहले अंग्रेजों की जो एजुकेशन हुआ करती थी उसको छोड़ के लोगों ने इंडियन एजुकेशन लेना शुरू करा, नेशनल एजुकेशन लेना शुरू करा, और जो इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ था वो भी शुरू हो गया। मतलब अब इंग्लिश का जो क्रेज़ था वो थोड़ा कम हो गया था। द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907, हाउएवर द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन डिसम्बर 1915। कांग्रेस जो थी वो स्प्लिट हो गई थी, अलग अलग हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कांग्रेस के अंदर। दो ग्रुप बन गए थे कांग्रेस के अलग अलग, लेकिन फिर दोबारा से कांग्रेस पूरी की पूरी टीम एक साथ मिल जाती है दिसंबर 1915 के अंदर। 1916 के अंदर कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उसने साइन करा हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। अब ये लखनऊ पैक्ट क्या होता है? एक तरीके का एग्रीमेंट कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर साइन करा। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई थी। इकोनॉमिक मतलब पैसे वैसे की सिचुएशन जो थी, पॉलिटिकल मतलब कि आपको पता ही है पॉलिटिक्स वाली जो लीडरशिप वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। गवर्नमेंट ने हर चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था, चाहे वो इंडिविजुअल की इनकम हो चाहे वो बिजनेस इसका प्रॉफिट हो। गवर्नमेंट टैक्स क्यों बढ़ा रही थी और आखिर टैक्स का फ़ायदा क्या होता है गवर्नमेंट को? अब किसी भी गवर्नमेंट के वर्क करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा हम आम पब्लिक की पॉकेट से ही जाता है और इसे ही हम लोग बोलते हैं टैक्स। तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा पैसा चाहिए था आम पब्लिक से, इस वजह से उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। अब ऐसा क्यों था कि गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा चाहिए था? वर्ल्ड वॉर का टाइम था, गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा इसलिए चाहिए था कि वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर सके, जैसे कि मिलिट्री के लिए बंदूक खरीद सके, एरोप्लेन्स खरीद सके, टैंक्स खरीद सके और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद सके। इन सब चीज़ों की वजह से हर चीज़ का जो दाम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बढ़ क्यों गया था? क्योंकि टैक्स अब बढ़ गया था। गांधी जी 1915 के अंदर साउथ अफ्रीका से इंडिया के अंदर आते हैं। अब गांधी जी को जाना जाता था उनके अलग अलग मूवमेंट की वजह से, मतलब प्रोटेस्ट की वजह से। कभी उन्होंने रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा था, ये जो काले घोरे का भेदभाव होता था साउथ अफ्रीका के अंदर उसके अगेंस्ट भी गांधी जी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा था, मतलब कि एक तरीके से अपोजिशन करा था जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसका, और वहाँ पर भी बहुत सक्सेसफुली गांधी जी ने वर्क करा था। फिर शुरू होता है द रोलेट सत्याग्रह। 1919 के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह मतलब कि एक तरीके के प्रोटेस्ट की शुरुआत करी, आंदोलन की शुरुआत करी, जो कि रोलेट एक्ट की वजह से था। अब ये रोलेट एक्ट का मतलब क्या था? रोलेट एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा था, एक तरीके का रूल बनाया था जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम कर दिया था। कोई भी इंसान गवर्नमेंट के बारे में अगेंस्ट नहीं बोल सकता था, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता था, और गवर्नमेंट ने जो पुलिस की पावर्स थी वो भी बढ़ा दी थी, मतलब पुलिस बिना किसी कसूर के किसी के ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकती थी। और पुलिस के अंदर आखिर काम कौन कर रहे थे? ये ब्रिटिशर लोग। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा था, रोलेट एक्ट लेकर आई और उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हमारे बोलने की आज़ादी को कम कर दिया और पुलिस की पावर्स को इंक्रीज कर दिया कि वो कभी भी डरा धमका सके हम इंडियंस को। द रोलेट सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ये रोलेट सत्याग्रह था इसके अंदर जितने भी इंडिया के लोग थे सब एक साथ जुड़ गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क करने लग गए। 1919 की अप्रैल के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करा गया, हर्टल्स करे गए कंट्री के अंदर, और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ब्रूटल मेजर्स लेने पड़े उनको सप्रेस करने के लिए। मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश करी कि हमें ये जो रोलेट वाला एक्ट है ये बिल्कुल नहीं पसंद, इस रूल को हटाया जाए हमारी कंट्री से।
गवर्नमेंट ने लोगों को चुप करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करी। उनको जेल के अंदर भी बंद करा, उनकी पिटाई भी करी और पुलिस से उनको डराने और धमकाने की भी कोशिश करी। यहाँ तक कि जलियावाला बाग आपने स्टोरी ज़रूर सुनी होगी, वहाँ पर बहुत सारे बेकसूर लोगों को जनरल डायर ने जस्ट बिकॉज वो लोग बैठ कर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि इस रूल को हटा दिया जाए, उनको मार दिया था। जनरल डायर ने ये काम करा था अमृतसर के अंदर। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल का जब ये काम हुआ था और बहुत ही ये गलत चीज़ थी। खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो लोग थे अब उन्होंने जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की उनके खिलाफ बोलना शुरू करा। जो खिलाफत एजिटेशन के लोग थे उन्होंने क्या करा, मोहम्मद अली, शौकत अली, उन्होंने फुल फ्लैज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी। मतलब कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ हम बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करने वाले, जो भी वो रूल बनाएंगे, जो भी वो बातें कहेंगे, हम उनकी बातें क्यों माने। गांधी जी ने इस बात का सपोर्ट करा और कांग्रेस को भी बोला कि बिल्कुल बिल्कुल हम भी तुम्हारे साथ सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस वालों सपोर्ट करो खिलाफत एजिटेशन का। जो जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था, मतलब जलियांवाले बाग के अंदर इतने सारे लोगों को मारा गया था, उस चीज़ का इंसाफ लिया जाए, स्वराज डिमांड करा गया। द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921 एंड 22। अब ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी इसके अंदर क्या क्या हुआ, जो बच्चे थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया। अब ऐसा क्यों करा बच्चों ने, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ये बताया जाता था कि ब्रिटिशर्स बहुत महान हैं, हम तो ब्रिटिशर्स को भगवान समझते हैं इंडियंस, उनके बिना तो हमारा देश चल ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे करके बच्चों ने स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ना शुरू करा और उन लोगों ने क्या करा, ब्रिटिश जो टाइटल्स होते थे उन्हें भी सरेंडर करा। लेजिस्लेटर को भी बायकॉट करा गया, मतलब ब्रिटिशर्स जो भी रूल बना रहे थे, जो भी बातें कह रहे थे, लोग धीरे धीरे करके उनकी बातों को बायकॉट कर रहे थे, बोल रहे थे हम नहीं मानते ब्रिटिशर्स की बात और हम इंडियंस ब्रिटिशर्स की बात क्यों माने। जब लोगों ने देखा कि हमारे देश के बड़े बड़े लीडर पॉलिटिकल एसोसिएशन वर्क कर रही हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करने में, तो हमें भी हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल एसोसिएशंस की हेल्प करनी चाहिए। लोगों ने खुद के इनिशिएटिव लेना शुरू करे। डिफरेंट क्लासेस ग्रुप्स के लोगों ने गांधी जी के मैसेजेस को अलग अलग तरीके से समझा, मतलब जो बात गांधी जी समझाया करते थे वो सब लोगों ने अलग अलग तरीके से समझी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का, मतलब गांधी जी को सपोर्ट करने की कोशिश करी। खेड़ा, गुजरात और पतिदर के जो पीजेंट्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा नॉन वायलेंट कैंपिंग। अब ये जो नॉन वायलेंट वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर बिना कोई अटैक करे शांति से उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा। अब ये प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, बार बार आपको ये प्रोटेस्ट आंदोलन वर्ड सुनने को मिल रहा होगा। मान लो आपके पेरेंट्स बोल दें कि बेटा तुम्हें फ़ोन चलाने को नहीं मिलेगा, तो आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाओ, नहीं नहीं मैं तो फ़ोन चलाऊंगा, मैं तो फ़ोन चलाऊंगा, मैं तो फ़ोन चलाऊंगा, तो ये हो जाता है प्रोटेस्ट, इसे ही बोलते हैं हम लोग प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर सब लोग अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो खेड़ा, गुजरात और पतिदर की पीजेंट्स थे ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिशर्स इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लिकर शॉप्स थी, मतलब जो दारू की दुकानें हुआ करती थी, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने भी आंदोलन करना यानी कि प्रोटेस्ट करना शुरू करा। इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट स्टेज्ड अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। अब यहाँ पर जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर ट्राइबल पीपल और जो गरीब पीजेंट्स थे उन लोगों ने मिलकर फॉरेस्ट सत्याग्रह शुरू करा। मतलब जो फॉरेस्ट के अगेंस्ट गलत गलत चीज़ें कर रहे थे ब्रिटिशर्स, पेड़ों को काट दिया करते थे, जंगलों को ख़त्म करते जा रहे थे, हमारे जंगलों से बहुत सारा सामान ले लिया करते थे, उस चीज़ के अगेंस्ट यहाँ पर जो वहाँ के ट्राइबल और पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने वर्क करा और बोला कि ये जो तुम पेड़ वेड़ काट रहे हो जंगलों के, इस चीज़ को बंद करो ब्रिटिशर्स। सिंध, जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट है, वहाँ के भी कुछ मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट्स ने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा खिलाफत कॉल का, बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड भी थे। बंगाल ने भी खिलाफत यानी कि नॉन कॉरपोरेशन अलायंस को बहुत ज़्यादा इनॉर्मस कम्यूनल
यूनिटी एंड स्ट्रेंथ जो थी वो दिखाई। मतलब कि कम्युनल स्ट्रेंथ का मतलब वहाँ के जितने भी लोग थे सब लोगों ने इस चीज़ को लेके सपोर्ट करा, और इसी की वजह से जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब लोग ब्रिटिशर्स से नहीं डरने वाले थे। इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स सॉट टू रिमूव करप्ट महत्स सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों ने जिन लोगों को अपॉइंट करा हुआ था उन लोगों के अगेंस्ट भी पंजाब के अंदर अब क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था कि इन करप्ट लोगों को हटाया जाए हमारे देश से। इन आसाम टी गार्डन लेबरर्स डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। तो जो टी गार्डन जो हुआ करते थे, जहाँ से चाय की पत्ती हमारी आती है, वहाँ पर जो लेबर वर्क करा करती थी आसाम के अंदर, उन लोगों ने भी बोला कि अब हमें भी बढ़कर तनख्वाह चाहिए, नहीं तो हम अपना काम नहीं करेंगे। द हैपनिंग ऑफ 1922 to 1929। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, हम लोग अब ब्रिटिशर्स को अपने देश से निकालने ही वाले थे। तभी गांधी जी ने सब लोगों को बोल दिया कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को रोक दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने ऐसा क्यों करा? फरवरी 1922 के अंदर ये अनाउंसमेंट करी थी गांधी जी ने। सब लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन जब उन्हें वजह पता चली तब सब लोगों ने गांधी जी की बात मान ली। कुछ क्राउड ऑफ पीजेंट्स ने पुलिस स्टेशन चौरी चौरा के अंदर, जो पुलिस स्टेशन था उसके अंदर आग लगा दी थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों की, उनको चोट भी लगी थी और कुछ पुलिस वालों की डेथ भी हो गई थी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, इसलिए गांधी जी ने लोगों को रोक दिया 1922 के अंदर। दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि 1920s के अंदर हुई वो थी फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जो अभी भी है। ये क्या थी? एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन RSS को कम्युनिस्ट पार्टी क्यों बोला गया, और ये कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिज्म बहुत ही सिंपल मतलब है इस वर्ड का। अगर आप किसी दुकान के ऊपर जाते हो, वहाँ पर आप बोलते हो कि भैया ज़रा बिस्किट दे देना, तो दुकान वाला आपसे पूछेगा कौन सी कंपनी के बिस्किट लेने हैं, मेरे पास तो अलग अलग कंपनियों के बिस्किट हैं। अब आप खुद सोचो क्या हो अगर आप किसी ऐसी दुकान के ऊपर जाओ जहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी के बिस्किट मिलते हों। बिल्कुल, कम्युनिज्म के अंदर गवर्नमेंट ही हर चीज़ को कंट्रोल करती है। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट तो अभी भी कंट्रोल करती है? नहीं, अभी आप शॉप्स पे जाते हो तो अलग अलग कंपनी के बिस्किट्स मिलते हैं, मतलब अलग अलग कंपनियां हैं, उन कंपनियों के अलग अलग ओनर्स हैं। लेकिन इस कंपनी सिस्टम को कम्प्लीटली हटा दिया जाता है और हर चीज़ की ओनर गवर्नमेंट होती है कम्युनिज्म के अंदर। तो यहाँ पर जो पूरा ये डेकेड था 1920 से लेके 1929 वाला, ये पूरा का पूरा डेकेड धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा। जो कांग्रेस थी उसकी सिर्फ एक ही मांग थी, और जो उसकी लड़ाई थी वो थी पूर्ण स्वराज को लेके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लेके। 1929 के अंदर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस लड़ती रही कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए। द मार्च टू दांडी 1930 के अंदर गांधी जी ने डिक्लेयर करा कि वो एक मार्च को लीड करेंगे। मार्च का नाम था दांडी मार्च, जो कि सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए था। अब ये सॉल्ट लॉ क्या था? ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट लॉ बनाया था हमारे देश के अंदर, जिसका सिंपल मतलब ये था कि हमारे देश के लोग हमारे देश का ही नमक नहीं बेच सकते, उस नमक को ब्रिटिशर्स ही सेल करेंगे। कितना उल्टा रूल था ये। तो गांधी जी को इस रूल के अगेंस्ट फाइट करनी थी। उन्होंने और उनके फॉलोवर्स ने मार्च करना शुरू करा फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। कोस्टल टाउन मतलब कि जो समुद्र के पास वाला एरिया होता है। तो यहाँ पर दांडी क्या था? एक कोस्टल टाउन था, समुद्र के पास में ही एक टाउन था। ये लोग दांडी वाले एरिया के पास गए, वहाँ पर इन्होंने जो गवर्नमेंट लॉ था उसे तोड़ा। अब ये गवर्नमेंट लॉ इन्होंने कैसे तोड़ा? जो नेचुरल सॉल्ट होता है, समुद्र के अंदर बहुत सारा सॉल्ट आपको देखने को मिलता है, जिसे हम लोग नेचुरल सॉल्ट बोलते हैं, उसको गांधी जी और उनके फॉलोवर्स ने कलेक्ट करना शुरू करा, जो कि गवर्नमेंट का लॉ था कि उसे कलेक्ट कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, उस सॉल्ट को कलेक्ट करा एंड बॉयलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, और सॉल्ट को इन्होंने प्रोड्यूस भी करा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी
उसको पता चल गया था कि अब इंडियंस एक साथ जुड़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब करा प्रोविंशनल ऑटोनॉमी एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इलेक्शन टू द प्रोविंशनल लेजिस्लेचर इन 1937। अब इस सब चीज़ का मतलब क्या था? गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट लेकर आई, एक ऐसा रूल लेकर आई जिसके अंदर बोला कि भाई देखो, तुम इंडियंस को भी रूल करने का मौका मिलेगा। जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल में भी होगी, स्टेट के अंदर भी होगी, और कुछ जो प्रिंसली स्टेट, अब प्रिंसली स्टेट क्या थे उस जमाने में, कुछ राजा वगैरह भी हुआ करते थे। अब राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनको भी हम लोग अपने साथ काम करने का मौका देंगे। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोलकर लोगों को बहलाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रिंस वगैरह थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें से एक भी नहीं आया जो कि जुड़ता गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने मना कर दिया कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं जुड़ने वाले। सितंबर 1939 के अंदर, आफ्टर टू ईयर्स ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट। अब क्या हो जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। लगभग दो साल हो चुके थे जब कांग्रेस रूल कर रही थी प्रोविंसेस के अंदर। भैया ये प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है? मेरे तो दिमाग से ऊपर ही चले गया ये। प्रोविंसेस का मतलब बहुत सिंपल होता है, हमारी जो इंडिया की कंट्री थी इसके कुछ पार्ट के ऊपर कांग्रेस रूल कर रही थी। क्विट इंडिया एंड लेटर। तो यहां पर महात्मा गांधी जी ने लॉन्च करा क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बोला भाई देखो, अब हमारे इंडिया को छोड़ के चले जाओ। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसकी शुरुआत हुई मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया के अंदर हो रहा था, तब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गांधी जी ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी। गांधी जी और जो अदर लीडर्स थे उन सबको जेल के अंदर भी डाल दिया गया। बोला ये गांधी जी और ये जो अदर लीडर हैं यही इंडिया के लोगों को भड़का रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने बोला इनको हम जेल में डालती, ये इंडियंस को भड़काती, तो हमारे गांधी जी और अदर लीडर्स को जेल के अंदर भी डाल दिया गया इस क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से। टू वर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। 1940 के अंदर मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने एक डिमांड करी कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए। ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट जगह है मुस्लिम्स के लिए, ये होनी चाहिए नॉर्थ वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न एरिया हमारी कंट्री का है उसमें। 1937 के अंदर कांग्रेस ने, जो मुस्लिम लीग ने ये डिमांड करी थी, इसको रिजेक्ट कर दिया था। बोला कि नहीं नहीं देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता, जिसको लेके मुस्लिम लीग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई। बोला कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, देखो हमें भी तो रूल करने के लिए पार्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस विच अनॉयड द लीग, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कांग्रेस से। एट द एंड ऑफ वॉर इन 1945 ब्रिटिशर्स ने नेगोशिएशन, मतलब कि हम कांग्रेस वालों के बीच में नेगोशिएशन, जो मुस्लिम लीग थी उसके बीच में नेगोशिएशन, और खुद ब्रिटिशर्स भी इस नेगोशिएशन का पार्ट थे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि इंडिया के ऊपर रूल करना इतना आसान नहीं है। अब नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? मोल भाव। मोल भाव होना शुरू हुआ, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए मोल भाव हुआ। लेकिन ये सारी बातें फेल हो गई, क्योंकि ली को ये लगा कि यार इंडिया के अंदर मुस्लिम्स के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम मुस्लिम्स का क्या होगा, ये तो कुछ सोच ही नहीं रहे कांग्रेस वाले हम मुस्लिम्स के लिए। तो यहाँ पर जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की सोच थी कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स, हिंदूज और अलग अलग जो हमारे रिलीजन के लोग हैं, सबको एक ही तरीके से ट्रीट करा जाए। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो चाहते थे कि मुस्लिम्स को प्रेफरेंस दिया जाए, अलग जगह दी जाए। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल पार्ट्स, बट द ली सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स प्रसिस्टेड एंड इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। इसी वजह से जो मुस्लिम ली थी उसने डिमांड करा कि पाकिस्तान बनाया जाए, एक अलग जगह बनाई जाए मुस्लिम्स के लिए जहां पर वो रूल कर सकें। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, द मुस्लिम ली डिक्लेयर्ड मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी। अब फाइनली क्या डिमांड हुई कि हमें पाकिस्तान मिलना चाहिए। 16 अगस्त 1946 के अंदर अनाउंस हुआ डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको मुस्लिम लीग ने अनाउंस करा था।
इस दिन बहुत सारे रायट्स मतलब कि लड़ाई झगड़ा देखने को मिला कोलकाता के अंदर, जो कि बहुत दिनों तक होता ही रहा। बाय मार्च 1947 यही वॉयलेंस पूरे के पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स में होने लगा। नॉर्थन इंडिया के अंदर ज़्यादातर ये देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू फ्ली देयर होम्स। पार्टीशन होने लगा और पार्टीशन की वजह से जो अब हमारा इंडिया था उसके अंदर से ही बॉर्न हुआ पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम लीग की वजह से बॉर्न हुआ था। तो यहीं पर आपको पता चला कंप्लीट डिटेल के अंदर कैसे मुस्लिम लीग ने अपोजिशन करा था कांग्रेस का, कांग्रेस जो कि सबको जनरल तरीके से ट्रीट कर रही थी उसके अपोजिशन करके। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं इस चैप्टर के अंदर से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि जो मुस्लिम लीग थी उसने किस चीज़ का अनाउंसमेंट करा था जिसकी वजह से कोलकाता के अंदर बहुत सारे रायट्स मतलब लड़ाई झगड़े मारपीट होना शुरू हुई थी और बहुत दिनों तक वो लड़ाई झगड़े चलते रहे थे। उस डे का क्या नाम था फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं इसको। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।